बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाथों और पाँव, घुटनों और टखनों के काले जोड़ों को गोरा बनाने के लिए, रंगत साफ़ करने के लिए, मैल को साफ़ करने के लिए, रंगत निखारने के लिए आपको एक बेहतरीन टिप बताने जा रही हूँ, जिसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से चंद दिन के अंदर अंदर आपके हाथों पाँव के जोड़ है या टखनों का रंग काला है या घुटनों का रंग काला है तो वो साफ़ हो जाएगा। ये आसान सी और सस्ता सा टिप है, आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, इस टिप को आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है, हाथों और पाँव पर इसकी मालिश करनी है, टखनों घुटनों पर इसकी मालिश करनी है, रात भर लगा रहने देना है और सुबह उठकर आप वॉश कर सकते हैं। नाज़रीन, एक आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है पिंक एंड वाइट, आप देख सकते हैं आपके सामने जो कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, जो चीज़ आपको वीडियो में दिखाई जा रही है ये आपने किसी भी जनरल स्टोर से या किसी भी मेडिकल स्टोर से आपने ले लेनी है। पिंक एंड वाइट पेट्रोलियम जेली, सिर्फ आपने पेट्रोलियम जेली लेके हाथों और पाँव की स्किन पर, घुटनों और टखनों पर आपने इसका 10 मिनट के लिए मसाज करना है रोज़ाना रात को सोने से पहले और रात भर इसको लगा रहने देना है। इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर आपके हाथों और पाँव की रंगत भी साफ़ हो जाएगी, हाथ और पाँव की खुरची स्किन भी आपकी स्मूथ हो जाएगी और घुटनों और टखनों का कलर भी फेयर हो जाएगा, हाथ और पाँव की स्किन का कलर भी फेयर हो जाएगा। नाज़रीन, ये टोटका बहुत ही आसान है, सस्ता सा है, आसान सा है, आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों की स्किन पर रैशेज हो गए हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।